नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहित और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंडियन रिवोल्यूशनरी फार्मर पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, देख सकते हैं सुबह लगभग 6 बज चुके हैं लेकिन अभी तक जो पारा है वो बहुत ज़्यादा गिर चुका है, ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। सोनीपत, जिसको महाभारत काल में शोणप्रस्थ के नाम से जाना जाता था, उसके अंदर मेरा गांव है। दिल्ली के काफ़ी नज़दीक होने के कारण लगभग दिल्ली के समान ही यहां पर पारा गिर चुका है। 2 से 3 डिग्री सुबह के समय तापमान होता है, पूरा दिन सूरज नहीं निकलता और निकलता है तो जो तापमान होता है वो वातावरण में इतना अनुकूल नहीं हो पाता है कि हम पशुधन को बाहर की व्यवस्था में ला सकें। पशु बाहर भी नहीं निकल रहे हैं, देख सकते हैं कमरे के अंदर पशु बिल्कुल पैक हो चुके हैं। पूरा दिन उनको कपड़ा ढक करके रखा जाता है ताकि किसी प्रकार से ठंड उनको ना लग जाए, लेकिन फिर भी हम जितना मर्जी बचाव कर लें, गर्मी हो या सर्दी, हम कुदरत के प्रकोप से अपने आप को और अपने पशुधन को कुछ हद तक बचा सकते हैं, पूरी तरीके से नहीं बचा सकते। और ऐसे में पशुओं को ठंड लग जाती है। गाय भैंस के नवजात बछड़े बछड़ियाँ जब ठंडे फर्श के ऊपर बैठते हैं तो उनको फर्श से ठंड उनके शरीर में, उनके पेट के द्वारा उनके शरीर में ठंड बन जाती है। तो गाय भैंस के बछड़े बछड़ियों को ठंड लग जाए तो आप देख सकते हैं वीडियो में, यहाँ पर आप देख सकते हैं चार गिरी बादाम की, बादाम जिसको आमंड बोला जाता है, पहाड़ी क्षेत्रों से हमारे जम्मू कश्मीर से बादाम लाए जाते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं अखरोट, एक अखरोट और चार गिरी बादाम आपको यहाँ पर ले लेनी है और इसको अच्छी प्रकार से पेस्ट बना लेना। यहाँ पर किसी प्रकार की गलती आप ना करें, इसको भिगोना नहीं है, भिगोने के बाद इसकी तासीर ठंडी हो जाएगी और पशु को डबल ठंड लग जाएगी। तो आपको चार गिरी बादाम यो की यो ले लेनी है और इसके साथ एक अखरोट ले लेना है और इसको देख सकते हैं अच्छी प्रकार से पेस्ट बना लेना है इसका कुंडी की मदद से। जो मिट्टी का जो पत्थर होता है एक, उसके अंदर यहाँ पर देख सकते हैं इसको रगड़ लेना है। जब इसको रगड़ की चटनी बन जाए तो इसको 100 से 150 ग्राम दूध के अंदर, जो आपकी भैंस का दूध आपने निकाला है उसके अंदर इसको अच्छी प्रकार से गुड़ के साथ पका लेना है। और जब यह गुनगुनी अवस्था में हो जाए, जैसे हम चाय पीते हैं उस तरह की अवस्था में जब यह हो जाए तो इसको पशुधन को पिला देना है, अपनी गाय भैंस के बछड़े बछड़ियों को पिला देना है। अगर आप समय समय पर 5 से 6 गिरी बादाम की और एक अखरोट की गिरी अपने गाय को भी देते रहते हैं या भैंस को भी देते रहते हैं और उसके साथ में आप प्रतिदिन 200 से 250 ग्राम गुड़, अगर पशु गाभिन है या नहीं है, दोनों अवस्थाओं में पशु को आप गुड़ प्रतिदिन दें, इससे पशुओं के दूध में भी काफ़ी हद तक सुधार रहता और पशु ठंड से भी बचता। पशु की कमर पर हमेशा कपड़ा ढक करके रखें और उसके नीचे सूखा बिछा करके रखें, सफाई का पूरा ध्यान रखें, गंदगी ना छोड़ें, उसके नीचे गौशाला को धोएं भी, अपने पशुओं के बाड़े को धोने की भी व्यवस्था अच्छी रखें, लेकिन उसके साथ साथ सूखा भी उसको प्रदान करें ताकि उसको किसी प्रकार की ठंड ना लगे। इसी के साथ जय जवान जय किसान वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस फार्मूले से आपकी गाय भैंस की बछड़ी बछड़ियों की ठंड बिल्कुल ठीक हो जाएगी।